तो हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना, और आई होप आप लोग को मेरे कैंप वाले व्लॉग्स पसंद आए होंगे। और बहुत ही ब्लेस्ड दिन रहे कैंप के, मज़ा आया एकदम। और एक एक दिन हमने बहुत एंजॉय करा, और सबसे बड़ी बात हमने यीशु मसीह की प्रेजेंस को वहाँ पे फील करा, उसकी मौजूदगी को। और बहुत ही अच्छे सेशंस हुए, वर्शिप हुई और एक्टिविटीज़ हुई। हम लोग लेक वगैरह पर भी गए विजिट पे, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी क्रिश्चियंस बच्चे हैं, क्रिश्चियंस यूथ है, 15 साल या 15 साल से ऊपर, वो लोग इस कैंप में जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ज़रूर। और नेक्स्ट जब भी होगा आप लोग ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा कैंप है। और बहुत ही अच्छे से प्रभु के दास हमें सिखाते हैं, हमें टीचिंग्स देते हैं, हमें प्रभु में कैसे बढ़ना है और अपना मसीही जीवन हमें कैसे बिताना है, ये सब बताते हैं। तो गाइस, मेटनोइया, ये जो नाम है कैंप का, इसका मतलब है स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड, और इसका मतलब है आत्मिक बदलाव हिंदी में। और अगर एक और इसका हम मीनिंग देखें तो इसका है मीनिंग चेंज ऑफ माइंड, मन का बदलाव। गाइस फाइनली आई एम हियर। बहुत दिनों हकला गई, मैं हकलिंग हो गई मेरी। मैं बहुत दिनों बाद आज व्लॉग में फाइनली आ गई हूँ। आपको मेरी याद तो जरूर आई होगी ना, अगर आई हो तो बहुत कमेंट याद में आई हो मुझे रहे थे लोग जरूर आंसुओं बताना कि आपको मेरी व्लॉग मतलब याद आई। से। ये बोलना ही भूल गई। अरे यार, अब बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया तो यार थोड़ी आदत छूट गई। और गाइस, अभी रात के बज रहे गाइस हैं, फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, और 12 बजे है इस चिमकांडे का बर्थडे, और ये 22 इयर्स का हो जाएगा। केक कटेगा, बहुत सारी मस्ती होगी, तो गाइस मेरा बर्थडे आने वाला है गाइस, और इसके लिए एक सरप्राइज भी है। और गाइस तो तू जोर देखते से हैं, बता और देना मजे आ रहे हैं। क्या। और गाइस इसके लिए है एक सरप्राइज जो मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा उसको आइडिया है बट मैं पूरा पूरा नहीं बताऊंगी, और वो मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, कुछ और भी हो सकता है उसके अलावा। तो अब देखते हैं ये करेक्ट है और रॉन्ग है। तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, ये अभी यहीं पे बैठे हुआ है, और अभी हम जाएंगे घर, फिर नानी के आएंगे केक वगैरह लेके कुछ। और फाइनली गाइस, आई एम बैक इन व्लॉगिंग। तो गाइस, अभी मेरा बर्थडे आने वाला है 12 बजे, तो मैंने आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया रात में ही, और मैं ये व्लॉग डालूँगा अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद अगले दिन। तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे अभी व्लॉग में। तो गाइस, अभी बस 12 बजने वाले हैं, अभी केक काटना है मेरे को, अपने दादी के घर पे भी काटना है केक, वो लोग उन लोगों ने केक मंगवाया है, तो अभी केक काटूंगा मैं उधर भी, और एक केक यहाँ भी कटेगा नानी के यहाँ। तो गाइस चलिए फिर, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, बस 12 बजने ही वाले हैं, मैं पैदा होने वाला हूँ, और बस तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दादी के, और पहला केक यहाँ पे कट रहा है। केक कट केक रहा दादा के साथ भी। दादा, केक दिखाओ। ये हमारी दादी जी देखिए, अब मैं सोने जा रही थी। और ये चाचा, हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं है, ये तो इसका दिखा, बर्थडे। और ये पहला केक हमारे यहाँ पे कट रहा है। तू तो मेरे साथ फोटो यहीं से खींचती रहना, वो फ्लैश मत जला। तू मेरे साथ तो पूछा, बीच वाली कैसे जलेगी यार। अभी का हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अभी रुक जाइए। अच्छा चलो कार ट्रंक पे गल जाएंगे सब। चलो हाँ, मोमबत्ती चलो। फूक तो ले। हैप्पी टू बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
ये बात हुई ना, बढ़िया है कि ऐसी लग रही है ईस्टर की फुहारी का फोटो खींची थी ना, एरिया था हां कितनी हां हां हे गाइस अच्छा है टेस्टी। तो गाइस अब आ चुके हैं नानी के घर पे और अभी मेरा कटा है दूसरा केक, बस बजने वाले हैं 12। पूछा भी आ गया मेरा बच्चे बनाने, पूछू भी आ गया, बउआ आ गया मेरा बच्चे बनाने, आ गया बउआ। चलो गाइस केक तैयार है, अब कटेगा केक। दो नंबर 22 भी आया गाइस, कैंडल्स आई हैं। हैप्पी बर्थडे कहां लगे, कौन साल का बताओ यार भाई, पूछो तो 2 साल का बउआ। अब बउआ भी काटे मेरा सुपर चढ़ के है ना भाई, वो नहीं काटेगा, हम लोग फिर खाएंगे कैसे। पूछू भी काटे भैया, पूछू का केक है, माचिस खाएंगे इनको देते हैं। हैप्पी गया मेरा चल, काटना पड़ेगा फोटो एक मेरी ऐसे फोटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे dear Chilu, happy birthday to you, let the long life bless you, may the dear Lord bless you, may the dear Lord bless you, मैं खिला चुकी थी लो भाई, ऐसा मुझे भी दे दीजिए थोड़ा सा, मैं खिला लूं। ले मैंने तो काट लिया, ले लो भैया, रख दो तुम्हारी उम्र को, चलो कर दी राजेश जोर का हो गया हूं मैं। ओ पर्पल कलर, वाओ, ओ माय गॉड, एंड माय ब्यूटीफुल कलर पर्पल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ बॉम्ब। चलो दुआ करो, चलो दुआ करें, चलो आपने संभाला है, विश्वास करते हैं, साल भी आप उसके आगे आगे चलेंगे प्रभु, आप अच्छे चरवाहा हैं प्रभु, और आप उसकी अगो यहां पे करेंगे गाइस। फाइनली ओपन हो रहा है गिफ्ट, हां यहां बैठ जा, अरे यहां बैठ जा रहा हूं मैं, ये क्रीम क्रीम क्यों देता है केक में, सब में क्रीम है। फाइनली केक, वो केक कह रहा हूं, केक खुल रहा है, केक खुल रहा है, ओपनिंग गिफ्ट, जगह ही नहीं है इसको खोलने की, अरे जल्दी गिफ्ट खोला, जॉकी का डब्बा, जॉकी ले कच्चे निकल रहे, तो क्या हो गया, क्या भर दिया, कूड़ा भर दिया यार इसने, टॉफियां है इसमें, टॉफियां कूड़ा भर दिया, ये है गिफ्ट, तो अरे फ्लिपकार्ट भी आ गया, क्या आ गया फ्लिपकार्ट, क्या मंगा दिया, मोबाइल तो मंगा, आईफोन, वही लग रहा मुझे भी, इतना ही पतला डब्बा होता उसका, अरे फोन आ गया, आईफोन आ मंगाया चूने नगली, अरे मर गए, अरे वाह, ये कितना मंगवाया, पैसे
अरे वाह ब्लू कलर, अरे वाह कौन सा है आईफोन, क्या बात है साहब, किसे ने दिया ये तो देखो आईफोन 14 ये तो देखी नहीं देखो गाइस क्या फायदा है, चार्जर आता नहीं इसके संग, अलग लेना पड़ेगा। देख चार्जर के पैसे इसमें आ रहे होंगे। क्या बात है साहब, आईफोन 14 नहीं है क्या, खोल ना उसे, ऐसा खोल ना, लेके आएगा ना अभी लॉक हो जाता, खुलता ही नहीं। अरे वो लिख रखा था। तो गाइस गिफ्ट में मिला है आईफोन 14 ये रहा, और थैंक यू सो मच पापा को, इन्होंने तो दिया है ना, बहुत अच्छा कलर है, यूनिक कलर है एकदम ब्लू, और 14 में यही कलर बेस्ट है, बाकी तो सब नॉर्मली आते हैं, और एक पर्पल आता है, लाइट पर्पल वो लड़कियों का होता है। तो गाइस देखते हैं अब चलाएंगे, फाइनली नहीं कह रही है तो बहुत महंगा आता, मेरी किड्डी बिक जाएगी। ले चार्जर आ जाएगा इसमें। तो भाई ये लिफाफा दिया ना आने का, कितने कल ऑर्डर करा, आ जा गया, वो तो लोकल से आ गया। नानी ने पैसा दिया गिफ्ट में, पैसा अब सब कुछ तो तुम्हारे पास है,